आप देख रहे हैं दादा दादी की कहानियां सिर्फ सागर पिक्चर्स पर। दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां, सदियों याद रही, भूला नहीं कोई, बचपन ने सुनी दादा दादी की कहानियां, दादा दादी की कहानी। बच्चों, तुम लोगों को जोर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही कहानी सुना दूंगी। हाँ, अच्छा चलो चलो अपनी अपनी जगह बैठो। तो सुनो, आज मैं तुम लोगों को परियों की कहानी सुनाऊंगी। परियों की? हाँ हाँ, लेकिन एक भूतनी भी आएगी। भूतनी? डरो नहीं, डरो नहीं। हाँ, तो दो परियां आसमान में रहा करती थी। एक का नाम था काल परी, जो वक्त की मालिक होती है, और दूसरे का नाम था निंद्रा परी, जो सबकी आंखों में जाकर निंद्रा कर देती हैं। तो दोनों बड़ी अच्छी सहेली थी, उनमें बड़ा प्यार था और हमेशा आसमान में उड़ा करती थी। वो देखो नीचे जंगल में कौन है? कहाँ? अरे वो अभी अभी दरख्तों से बाहर निकलेंगे। वो देखो, वो जो आगे आ रहे हैं, वो है सोनपुर के महाराजा चंद्रसेन, और वो जो उनके पीछे है, वो है सेनापति भीमसेन। वो परेशान क्यों है? शिकार खेलने आए थे, रास्ता भूल गए, अब जंगल में भटक रहे हैं। सेनापति महाराज, कितनी देर हुई हमें भटकते हुए। हाँ महाराज, सुबह से निकले थे, अब सूरज चढ़ पर चढ़ाया है। भगवान जाने बाहर जाने का रास्ता मिलेगा या नहीं। अवश्य मिलेगा महाराज, अवश्य मिलेगा। आप थक चुके हैं, आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, फिर हम चल देंगे। तुम ठीक कहते हो, बड़ी जोरों की प्यास लगी है, यहाँ कहीं आसपास पानी मिलेगा? जरूर मिलेगा महाराज, मैं अभी लेकर आया, आप आराम कीजिए। जिसकी फुफार से जमी काली हो गई, अगर वो सांप हमें काटता तो हम पानी तक नहीं मांगते। महाराज, तुमने हमें नया जीवन दिया है सेनापति, हम इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे? महाराज, ये मैंने अपना फर्ज समझ के किया है, आप इसे एहसान क्या कहते हैं? अगर देना ही है तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए महाराज। सेनापति, जिंदगी से बड़ी नेमत इस दुनिया में और नहीं है। सिर्फ आशीर्वाद देकर हम अपने आप को स्वार्थी कहलवाना नहीं चाहते। तुमने हमारी जान बचाई है तो हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी चीज तुम्हारे हवाले कर देंगे। हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे से कर देंगे। महाराज? हाँ सेनापति, ये हमारा वचन। महाराज, आप उन दोनों के बड़े होने की प्रतीक्षा कीजिए। आप धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। भगवान आपको ऐसी बल बुद्धि दे भगवान, कि आपका यश चारों दिशाओं में फैले महाराज, चारों दिशाओं में फैले। अच्छा किया राजा ने जो सेनापति के साथ रिश्तेदारी जोड़ ली। हम दोनों राजकुमारी की शादी में जाएंगे और खूब नाचेंगे। अरे उसके लिए तो अभी पूरे 12 बरस है, अभी तो राजकुमारी सिर्फ 5 बरस की है
और सेनापति का बेटा 7 बरस का। हाय, कब बीतेंगे ये 12 बरस? अरे जब बीतेंगे तब बीतेंगे, अभी तो चल के इन बेचारों को जंगल से बाहर निकाले। बड़े अच्छे लोग हैं, खामखा भटक रहे हैं। चलो चले। फिर दोनों परियों ने बड़े तरीके से उन्हें जंगल से निकलने का रास्ता बता दिया। फिर वो राजकुमारी और सेनापति के बेटे की शादी हो गई। पागल कहीं की, तब तो बच्चे थे, 12 साल में जवान हुए। 12 साल? अरे तो 12 साल क्या होता है, यूं फट से समय निकल गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बारह साल पूरे हो गए, अब तक तो राजकुमारी जवान हो गई होगी। चलो चल के उसे देखते हैं। चलो, मेरा भी मन उसे देखने को बहुत तरस रहा है। ये देखो, राजचंद्र से नजर आ रहे हैं। शायद ये उसकी रानी है। क्या बात है महाराज, आप पिछले दिनों से बड़े उदास नजर आते हैं। रानी, हमारी बेटी के हाथ पीले करने का समय आ गया है। ये सोचकर कि हमारे कलेजे का टुकड़ा हमेशा के लिए विदा हो जाएगा, दिल भर आता है। दिल तो मेरा भी भर आता है महाराज, पर क्या करें, बेटी तो पराया धन होती है, चाहे गरीब की चाहे राजा की। माँ बाप का घर एक ने एक दिन तो छोड़ना ही पड़ता है। आपने कुछ दिन पक्का किया है? हाँ, राज पुरोहित से कहा है शुभ दिन निकालने को, जैसे ही वह सूचना देंगे। पिताजी। अरे ये है राजकुमारी। आओ बेटी। आप मेरी बातें कर रहे थे? कुछ तुम्हारी, कुछ अपनी, कुछ चक्की। बेटी, जब तुम सामने होती हो तो आंखों को और दिल को ठंडक सी महसूस होती है। क्या बात है बेटी, कहीं जाना है? हाँ पिताजी। जाओ बेटी जाओ, कुछ दिन सखियों के संग और बैठ लो, फिर तो माता पिता की तरह वह भी छूट जाएंगे। पिताजी। हाय, कितनी सुंदर, हमसे भी सुंदर, परियों से भी सुंदर राजकुमारी, प्यारी प्यारी। मैं सदके वारी, मैं सदके वारी। कौन है जो बांसुरी बजा रहा है? बड़ी मूर्ख है तू, समझी नहीं? ये तो सेनापति का बेटा है, जिससे राजा ने राजकुमारी की शादी करने का सेनापति को वचन दिया था। अच्छा, ये तो फरिश्तों से भी सुंदर है। सुंदर जोड़ी है, फरिश्तों से भोली, परियों से प्यारी। सदके में वारी, सदके में वारी। अब तुम बांसुरी बजाना छोड़ दो। क्यों? वो शुभ दिन बहुत जल्दी आने वाला है, जब तुम सहरा बांधे घोड़ी पर सवार मेरे घर मुझे लेने आओगे। सच? हाँ, आज पिताजी माँ से कह रहे थे कि वो हमारे विवाह का दिन जल्दी तय करने वाले हैं। रानी, क्या जो हमने सुना है वो सच है कि राजकुमारी सेनापति के बेटे से हर रोज मिलती है? महाराज, वो दोनों बचपन के एक दूसरे के साथ ही है। बचपन की बात और है रानी, जवानी की और।
हम नहीं चाहते कि हमारे पर कोई उंगली उठाए कि हमारी बेटी एक तुच्छ सेनापति के बेटे के साथ उठती बैठती है। महाराज की जय हो। महाराज, सेनापति आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज, आज्ञा है। रानी, तुम अंदर जाओ। महाराज की जय हो। कहो सेनापति, क्या बात है? महाराज, मैं आपको कुछ याद दिलाने आया हूं। राजकुमारी अब बड़ी हो गई है महाराज। हमें मालूम है, इसके लिए हमने उसकी शादी की पूरी तैयारियां की हैं। उसके लिए चारों दिशाओं से बड़े बड़े राजकुमारों के प्रस्ताव आ रहे हैं। परंतु महाराज, आपने तो मुझे वचन दिया था कि राजकुमारी का विवाह आप मेरे बेटे के साथ करेंगे। क्या बक रहे हो? वचन हमने तुम्हें दिया था? हाँ महाराज, याद कीजिए, आज से 12 साल पहले जब हम शिकार खेलने गए थे तो हम रास्ता भटक गए थे महाराज। तो मैंने ही तो आपकी जान बचाई थी महाराज। जान बचाई थी तो क्या हम पर कोई एहसान किया था? अपने मालिक की जान बचाना हर सेवक का फर्ज बनता है, और इस फर्ज के लिए हम तुम्हें हर महीने तनख्वाह देते हैं। ये तो ठीक है महाराज, पर आपने मुझे वचन दिया था। शायद हमने मजाक किया होगा और तुमने सच मान लिया। जाओ और चकोर की तरह चांद को पकड़ने की बेवकूफी मत करो। जाओ। कितना झूठा फरेबी मक्कार है ये राजा, अपने दिए हुए वचन को भी भूल गया। असली राजा तो वो होता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, पर ये राजा तो प्राण बचाए और वचन गवाए। इसे तो वचन तोड़ने का मजा चखाना ही चाहिए। अरे इसे तो वचन तोड़ने का मजा मैं चखाऊंगी। राजकुमारी को ऐसी नींद सुलाऊंगी कि जब तक मैं न जगाऊं वो नहीं जागेगी। हाँ निद्रा परी, तेरे हाथ में तो वो ताकत है कि जिसे चाहे तू लंबी नींद में सुला सकती है। हाँ सुला देती हूँ, ताकि राजा भी अपनी बेटी के गम में उसी तरह तड़पे जिस तरह उसने सेनापति और उसके बेटे को तड़पाया है। सोजा राजकुमारी, सोजा परियों से भी प्यारी, सोजा सबकी राज दुलारी, सोजा सोजा राजकुमारी, सोजा। राजकुमारी जी उठिए, रानी माँ आपको बुला रही है। उठिए भी, रानी माँ आपको बुला रही है। राजकुमारी जी, रानी माँ। क्या हुआ? राजकुमारी उठ नहीं रही। उठ बेटी, उठ बेटी, उठ बेटी। बेटी, अरे इतनी गहरी नींद सोई है कि जगती नहीं। उठ बेटी, बेटी, बेटी उठ, बेटी, बेटी उठ, बेटी, बेटी उठ, उठ बेटी, बेटी उठ। क्या हुआ रानी? पता नहीं क्या हुआ हमारी बेटी को, सांसें ले रही है पर जगती नहीं। बेटी, बेटी, उठो बेटी, बेटी, बेटी। न जाने हमारी बेटी पर किसने जादू टोना किया। घबराओ मत रानी, हम अभी शाही हकीम को बुलाते हैं, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। जी महाराज। फौरन शाही हकीम को हाजिर किया जाए। जो आ गया महाराज। सुनो सुनो सुनो, हुकुम राजा का,
सुने प्रजा सभी, जो कोई भी राजकुमारी को उसकी नींद से जगाएगा, महाराज उसे राजकुमारी की शादी करने का वचन देते हैं। हाय, मैं मर गई, गजब हो गया। क्या हुआ? राजकुमारी को सोए हुए 3 महीने हो गए और 3 महीने बाद तो मेरी शक्ति खत्म हो जाती है। अब मैं उसे नींद से नहीं जगा सकती। अब क्या होगा? अब तो एक ही रास्ता है। अगर राजकुमारी को नींद से जगाना है तो उस भयानक जंगल से होते हुए उस महाकाली के मंदिर में जा, जहाँ पे वो जादुई हीरा है। उसे छूते ही राजकुमारी नींद से जाग जाएगी। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, इसी वक्त उस भयानक जंगल में, और उस महालक्ष्मी के मंदिर से वो हीरा लेकर आऊंगा, जिससे कि राजकुमारी फिर से इस दुनिया को देख सके और मैं उसे। उसी समय उस करामात हीरे को हासिल करने के लिए राजकुमार महालक्ष्मी मंदिर चल पड़ा, लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही यहाँ एक मुसीबत खड़ी हो गई। क्या? अरे, राजकुमारी के कमरे के बाहर एक पेड़ था, उस पर एक भूतनी रहती थी। भूतनी? हाँ, तो भूतनी चाहती थी कि सुंदर राजकुमारी को मैं खा जाऊं, कच्चा खा जाऊं। लेकिन काल परी और निंद्रा परी राजकुमारी के दरवाजे पर पहरा देती थी। निद्रा परी और काल परी बड़ी चालाक है, तो मैं भी उनकी अम्मा हूँ। ये राजकुमारी के यहाँ पहरा देती है, तो मैं उस चमत्कारी हीरे का पहरा दूंगी, जिससे राजकुमारी जाग सकती है। एक न एक दिन तो ये पहरा देना बंद कर देंगी, तो मैं राजकुमारी को बड़े मजे से खाऊंगी। पहले सर खाऊंगी या पैर, पर खा जाऊंगी। प्यार सच्चा है तो मेरी रक्षा करो। रक्षा करो।
ये थी बच्चों सच्चे प्यार की कहानी। सेनापति के बेटे के सच्चे प्यार के कारण महाराज को झुकना पड़ा और फिर उन्हें अपना वचन निभाना पड़ा। बस दोनों की शादी कर दिया। अरे अरे कहाँ जा रही हो? देखो बच्चों क्या कर रहे हो, क्या हुआ? चंद बकैया, चंद के ऊपर हार, चाहे दुश्मन हो जमाना, जीते सच्चा प्यार। अरे वाह, चाहे दुश्मन हो जमाना, जीते सच्चा प्यार। वाह 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 वाह। अपने मनपसंद धारावाहिक और मास्टरपीस सिनेमा को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सागर पिक्चर्स के YouTube चैनल को।